कहते हैं भगवान हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए उसने माँ बाप को बनाया है ताकि उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन में कभी भी कोई तकलीफ ना आए। लेकिन आज की दुनिया में ऐसे बच्चे हैं जो अपनी माँ बाप को बोझ समझते हैं। जिस माँ बाप ने उन्हें पैदा करके अपने पैरों पर खड़ा होने के लायक बनाया, उनके साथ ही वो बच्चे बुरा व्यवहार करने से जरा भी नहीं हिचकते। और हैरानी की बात तो तब लगती है जब वो बच्चे एक पढ़े लिखे माहौल से ताल्लुकात रखते हो। कुछ ऐसे ही एक मामला आया है उत्तराखंड के हल्द्वानी का, जहां पर एक सरकारी डॉक्टर की हैवानियत देखने को मिली है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक डॉक्टर क्या हैवानियत कर सकता है, तो मैं आपको बता दूं, ये साहब सिर्फ नाम के लिए डॉक्टर है। इनके पास जो दिल है वो हैवानियत से भरा है, जिसने अपने माँ बाप को भी नहीं बख्शा। चलिए बताते हैं क्या है पूरा मामला। ये मामला है उत्तराखंड के हल्द्वानी का, जहां पर बरेली जिले में सरकारी डॉक्टर के पद पर तैनात विनित मोदी ने अपने माँ बाप को प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और इन सब में दिया डॉक्टर साहब की पत्नी ने उनका साथ। जी हाँ, जिस माँ ने अपने बेटे को बड़े ही लाड प्यार से पाला, आज वही बेटा अपने माँ बाप की जान का दुश्मन बन बैठा है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि दुश्मनी के पीछे किसी भी तरह का कोई लालच नहीं है, अगर कुछ है तो वो है गुस्सा, अहंकार और घमंड। आप भी सुनिए किस तरह से ये बहन और उसके माँ बाप डर के साए में जीने को मजबूर है और क्या कुछ गुजर रही है इनके ऊपर। मैं बैंगलोर में रहती हूँ, तो अच्छा। मैं आई थी यहाँ पे, अच्छा। और जैसे मम्मी से मिलने गई थी नॉर्मली, तो मिलके फिर मैं वहाँ से हम लोग मैं नोएडा आ गई थी, अच्छा। फिर पापा की तबीयत जो है वो सही नहीं रहती है, तो मेरे हस्बैंड जो है वो आए थे नोएडा, तो फिर हम सब ने डिसाइड किया कि चलो इस बहाने मिल के आ जाते हैं, अच्छा। तो हम लोगों ने प्लान किया और हम लोग चले गए वहाँ। चलिए हम नॉर्मली डिस्कस कर रहे हैं घर परिवार की बात है, क्योंकि हम भी बेटियां हैं, थोड़ा कंसर्न रहते हैं अपने माँ बाप के लिए, और कहीं ना कहीं अपने भैया भाभी की हरकतों से बहुत ज्यादा वाकिफ है, हम लोग बहुत डरे रहते हैं। तो हम लोग बस, क्योंकि पापा जो है वो अपनी नॉर्मल जो उसकी आदत है वो एकदम से एग्रेसिव हो गया भैया, बहुत ज्यादा एग्रेसिव, हाँ भैया एग्रेसिव हो गया, फ्रिज को जाके उसकी चीजें गिरा दी और ये सब। तो फिर उसके बाद जो है ना बहुत अजीब सा तनावपूर्ण माहौल हो गया, तो हम लोग हट गए वहाँ से, अच्छा। सब शांत हो गए, हाँ, आगरा, अच्छा। तो अब हम लोग जो है बहुत ज्यादा डरे हुए थे कि अभी हम क्या करें, पर जो सिचुएशन थी ना वो समझ में नहीं आ रही थी, इस पर कभी क्या करना चाहिए, अच्छा। तो हम लोगों ने प्लान किया कि मम्मी पापा को बोलेंगे कि असल में पापा का ट्रीटमेंट कराने के लिए ज्यादा कंसर्न है, तो इसलिए हम लोगों ने मम्मी पापा का टिकट बुक किया अगले दिन का, आज तो हम वापस पहुंच रहे हैं, आप लोग जो है आ जाइए यहाँ पे, हम दिखा लेते हैं बाकी सारी चीजें बाद में देखी जाएंगे, पहले तबियत ज्यादा जरूरी है। तो फिर हम लोग ने जब उनका टिकट बुक किया, टिकट कन्फर्म था, वो लोग सुबह निकलने भी वाले थे, लेकिन वो बार 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 भैया का फोन आता रहा कि अभी मत जाओ, अच्छा। अभी मत जाओ, मैं आ रहा हूँ हिसाब चुकाना है, मैं आ रहा हूँ हिसाब चुकाना है। तो मेरे को बहुत घबराहट हो रही थी, मम्मी ने कहा बेटा देख लेते हैं ऐसा क्या है, और हम कई बार वायलेंट हो चुका, उसकी बीवी जो है वो भी मम्मी पापा को धमका भी चुकी है और मम्मी पे हाथ भी उठा चुकी है, सारा सारा दोनों की मिली भगत रहती है हमेशा, बच्चे हैं उनके, तो दोनों के बच्चे ऐसा, अच्छा। ये लोग क्या करते हैं उसके बाद ना सब हरकतें करने के बाद अपने बच्चों को आगे कर देते हैं, अच्छा। और उस जगह पे वो दोनों कमजोर पड़ जाते हैं, इनको भेजो, इनको बोलो आए मुझे बात करनी है, सारा हिसाब आज ही होगा, अच्छा। मम्मी मना कर रही थी कि अभी मत आओ, क्योंकि मम्मी कहीं ना कहीं उसकी हरकतों से बात करती, वो बार बार बोली थी जरूरत पड़ी तब आई। फिर शाम को वो पहुंचा, मतलब वहाँ उसने मम्मी का जाके फोन लिया, जाके फोन रखा, अंदर गया, मम्मी को खींच के बाहर ले गया और थक के मारने लगा, और मेरे से कहता है कि तू यहाँ आ, तू नहीं आएगी तो ये यही चलता रहेगा जब तक तू नहीं आएगी। मैं बहुत परेशान हो गई, उसके बाद मैंने फोन किया पुलिस वालों को, पुलिस वाले वहाँ पहुंचे, लेकिन वहाँ को कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं था, वो वहाँ पे क्योंकि वो वहाँ गुंडागर्दी लगा था, वो कह रहा है हाँ बोलो ना मैंने मारा है, मम्मी के गाल नाक आग सब जगह इतना ज्यादा निशान लगा हुआ है, पुलिस वाले देखने के बाद भी एक्शन नहीं ले रहे। सिर्फ मतलब आप लोगों से उनको कुछ एलर्जी है या कोई प्रॉपर्टी का मामला है, क्या है मतलब? ये प्रॉपर्टी का मामला तो नहीं है, क्योंकि हम लोगों की शादी हुए इतने साल हो गए, हाँ।
भाई हम आज तो नई शादी हुई है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। देखो और प्रॉपर्टी की बात हम लोगों ने कभी की नहीं है। हम परेशान थे कि इतने साल हो गए पापा की तबियत को, क्या तुमने कभी इलाज कराया? अच्छा मतलब हाँ, मतलब ये था कि मम्मी वहाँ घुट घुट के मरे जा रही। मैं अभी जब गई ना तो मम्मी की हालत देखी, वहाँ से जब आने के लिए बोलती थी ना कि मम्मी मैं जा रही हूँ मुझे नोएडा में काम है, मुझे असल में दिल्ली में थोड़ा काम था, तो मम्मी जो है वो बार बार बहानों से मुझे रोकने की कोशिश करती। जब कोई इंसान डरा होगा तभी ना, मेरे से कहती बेटा भी तू है तो मैं चैन से खाना खा ले रही हूँ। उनका वजन 10-12 किलो से आदत रही है कि बार अगर तुम उसकी काटोगे वो वॉयलेंट होता है। वो उसने आज पहली बार नहीं किया है, वो बहुत बार कर चुका है। और उनकी जो वाइफ है वो उस होगी उनके साथ मिलके, जैसे एक इंसान होता है ना जो कोशिश करता नहीं ऐसा मत करो माँ बाप की, नहीं उसको और शह देती है और साथ से और मिल के वो काम करती है। याद है उन पे हाथ आए नहीं होता कुछ प्रॉब्लम। ये तो सुना आपने किस तरह से एक भाई और एक बेटा अपने ही माँ बाप के ऊपर हावी हो गया है। इस मामले में दबाव और जालसाजी करके समझौता हो चुका है, लेकिन एक समझौते से माँ बाप और उसकी बहन संतुष्ट नहीं है। नेशन वन ब्यूरो रिपोर्ट। नेशन वन की खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nationone.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।